हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनु, आज मैं आप लोगों के साथ में फिर से एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने करवा चौथ के लिए मेकअप लुक क्रिएट किया है। इस वाले मेकअप लुक को आप करवा चौथ वाले दिन डे में भी कर सकते हैं या फिर आप नाइट में भी इस मेकअप लुक को कर सकते हैं। और ये वाला जो मेकअप लुक है आपका लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटरप्रूफ होने वाला है लाइफ प्रूफ के साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप मत करना। और अगर ये वाली जो मेकअप वीडियो है आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेकअप स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का पॉमिनीग्रेट टोनर। ये वाला जो टोनर है मुझे काफ़ी पसंद आता है, मैं इसे अपने स्किन केयर में भी यूज़ करती हूँ और मैंने इसे पूरे फेस पर अच्छे से लगा लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम। ये वाला सीरम काफ़ी अच्छा सीरम है, आपके फेस पर ये मॉइस्चराइज़र का काम करता है। और अगर आपके फेस पर स्पॉट्स होते हैं ना, उनको भी ये लाइट करता है, तो ये काफ़ी अच्छा सीरम है। इसे मैंने पूरे फेस पर लगा लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर। प्राइमर है ना, आपकी जो स्किन के पोर्स होते हैं ना उनको मिनिमाइज़ करता है, इसलिए मेकअप करने से पहले प्राइमर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आप कोई सा भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैंने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लिया है प्राइमर को। और नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये लिप बाम, ये मार्स की लिप बाम है और मेरे होंठ थोड़े ड्राई हो जाते हैं इसलिए लगाई है मैंने। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। एंड ये वाली जो पेंसिल है ये ब्राउन कलर की है और इस पेंसिल से मैं पहले अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी। इसका जो कैप है ना उसमें स्पूली लगा होता है, उससे मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से सेट कर लूँगी। आप पेंसिल से इसी तरीके से अपनी आईब्रो को सेट करिए, काफ़ी अच्छी सेट होती हैं। और मैंने यहाँ पर अपनी दूसरी आईब्रो को भी फिल कर लिया है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ कंसीलर। इससे मैं सबसे पहले जो मेरी आईब्रोज़ हैं उन्हें हाईलाइट करूँगी एंड कंसीलर को मैं आईज़ के ऊपर भी लगाऊँगी क्योंकि मुझे आईज़ का मेकअप करना है। एंड कंसीलर को मैं डार्क सर्कल वाले एरियाज़ पर भी लगा रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और जो मैंने कंसीलर लगाया है ना उसे मैं इस डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप ब्यूटी ब्लेंडर से जब ब्लेंड करते हो ना फाउंडेशन या कंसीलर को, काफ़ी अच्छा ब्लेंड होता है, इसलिए मैं मोस्टली ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे ये एक ब्रश ले रही हूँ, ये कंसीलर ब्रश है। और जो मैंने कंसीलर लगाया था ना आईज़ के ऊपर, तो मैं उसे अच्छे से सेट कर रही हूँ, इससे ना जो आईब्रोज हैं और अच्छी दिखेंगी। ये देखिए अब मैं मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन ले रही हूँ और लैक्मी 925 की सीसी क्रीम ले रही हूँ। यहाँ पर मैं ये मेबलिन का फाउंडेशन एंड ये लैक्मी 925 की सीसी क्रीम मैं हैंड पर दोनों को निकाल लूँगी, दोनों को अच्छे से मिक्स करके देन मैं फेस पर डॉट डॉट करके लगाऊँगी। मैंने यहाँ पे ये फाउंडेशन को और लैक्मी की क्रीम को जो मिक्स किया है ना, इससे क्या है ना आपका जो मेकअप है ना एक तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड वाटर प्रूफ भी रहेगा आपका मेकअप। अब मैं यहाँ पे ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेकर के जो मैंने क्रीम और फाउंडेशन लगाया ना उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पे फिर से कंसीलर लूँगी, ये स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर है और इसे मैंने डार्क सर्कल पे लगाया है, नोज़ पे, चिन पे एंड जॉ लाइन पे लगाया है मैंने, फोरहेड पे लगाया है। आपको जहाँ भी थोड़ी सी पिगमेंटेशन है आप वहाँ पे कंसीलर को लगाइए, सारे स्पॉट्स भी आपके हाइड हो जाते हैं कंसीलर से। और अब मैं यहाँ पे ये ब्यूटी ब्लेंडर से ही जो कंसीलर लगाया है मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से कवर किया है कंसीलर ने डार्क सर्कल को। और अब मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ लैक्मे का रोज़ पाउडर एंड रोज़ पाउडर से जो मैंने अपना बेस क्रिएट किया है ना उसे अच्छे से सेट कर लूँगी। आप जब भी फाउंडेशन या सीसी क्रीम यूज़ करें आप उसे सेट करने के लिए कोई भी टेलकम यूज़ करिए, बट करिए ज़रूर, उससे क्या है ना आपका जो बेस है ना वो अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखिए और अब मैं यहाँ पे ये फिर से रोज़ पाउडर ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर में और मैं इसे डार्क सर्कल वाले एरियाज पर लगा रही हूँ। आईज़ का मेकअप करना है तो यहाँ पर मैंने ये पाउडर को लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे ये हिलेरोडा की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और इसमें से मैंने पहले ये पीच कलर लिया है, इसे मैं पहले ब्रश से क्रीज पर लगा रही हूँ, देन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड नेक्स्ट कलर ले रही हूँ मैं ये डार्क मैरून कलर और इसे मैं केवल लिड पर ही लगाऊँगी।
और इसे भी मैं ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बट कलर को मैं ज़्यादा फैलाऊँगी नहीं। और अब मैं यहाँ पे ये ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, जो मैंने पहला कलर लगाया है और ये दूसरा कलर, इसे मैं आपस में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ कंसीलर, कंसीलर को मैं इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ पहले। और अब मैं यहाँ पे ये कंसीलर ब्रश लेकर के, जो मैंने कंसीलर लगाया है ना, उससे मैं हाफ कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। एंड अगर आप इस तरीके से कट क्रीज ड्रॉ करते हैं ना, तो आपकी जो आइज़ का मेकअप है ना, काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ट्विंकल आइज़ की ग्लिटर आई शैडो पैलेट, इसमें से मैं ये लाइट गोल्डन कलर लूँगी। और जो मैंने हाफ कट क्रीज ड्रॉ करी है कंसीलर से, उसके ऊपर मैं इस ग्लिटर को लगा दूँगी। ग्लिटर को आप बहुत आराम से लगाएं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ लाइनर, और ये मेरा टिनटिन का आईलाइनर है। ये वाला जो आईलाइनर है, ये भी काफ़ी अच्छा आईलाइनर है, लॉन्ग लास्टिंग है ये, बट मैं हमेशा लिक्विड आईलाइनर यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये वाले जो आईलाइनर हैं कम पसंद आते हैं। बिगनर्स के लिए काफ़ी इजी होता है स्केच आईलाइनर से लाइनर लगाना। और यहाँ पे मैंने आईलाइनर को लगा लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, और ये मेरा स्वीट बीटी का मस्कारा है। ऐसे मैं मेरी आईलैशेस पे अच्छे से लगा लूँगी। एंड ये वाला जो मस्कारा है ना, ये भी अच्छा मस्कारा है, और मैंने यहाँ पे मस्कारा लगा लिया है। नेक्स्ट मैं अब यहाँ पे आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, और इसमें से मैं ये डार्क मैरून कलर लूँगी, जिससे मैंने आईज़ का मेकअप किया है, और इसे मैं ये लोअर लेस लाइन पर लगा रही हूँ। इससे क्या है, जो आपकी आईज़ का मेकअप है ना, और अच्छा दिखेगा। काजल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे आइकॉनिक का ये काजल, और ये वाला जो काजल है, ये तो आपको पता ही है, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इस वाले काजल को, और काजल मैंने लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे जो मैंने रोज़ पाउडर लगाया था, उसे मैं ये ब्रश से हटा दूँगी, क्योंकि मेरी आईज़ का मेकअप हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ये मियोन की स्पॉटलाइट प्रो ब्लश पैलेट ले रही हूँ, इसमें से सबसे पहले मैं ब्रश से कंटूर कलर लूँगी, और फेस को मैं कंटूर करूँगी। एंड ये वाला जो कंटूर है, ये पाउडरी वाला है, तो मैं इसे बहुत लाइट ही लगा रही हूँ। फेस पर जब कंटूर करते हैं ना, तो फेस का जो शेप है ना, वो हल्का सा चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने ये नोज़ को भी कंटूर कर लिया है। चीक्स को ब्लश करने के लिए मैं इसी पैलेट में से ये डार्क पिंक कलर ले रही हूँ, और स्माइल करते हुए मैं ब्लशर लगा रही हूँ। ब्लशर लगाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है चीक्स पर। और हाइलाइटर के लिए मैं इसी पैलेट में से मैं ये हाइलाइटर ले रही हूँ, और ये सिल्वर हाइलाइटर है। हाइलाइटर को मैं पूरे फेस पर लगा लूँगी, नोज़ पर, चीक्स पर, चिन पर। हाइलाइटर से है ना, आपका मेकअप कंप्लीट हो जाता है जब आप हाइलाइटिंग कर लेते हो अपने फेस को। तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर को लगा लिया है, ये देखिए पास से मैं आपको मेकअप दिखा रही हूँ अपना पूरा। और अब मैं ले रही हूँ ये लिप लाइनर, ये मेरी स्वीट बीटी की लिप लाइनर पेंसिल है, और इस लिप लाइनर से मैं अपने लिप्स की अच्छे से शेप बनाऊंगी। एंड लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे ये ब्लू हेवन की रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और इसे मैं अपने लिप्स पर लगा लूँगी। इसका मुझे कलर बहुत अच्छा लगता है लिपस्टिक का। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सर, और इससे मैं अपने पूरे मेकअप को अच्छे से सेट कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पे रेडी होकर के आती हूँ। ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक, जो कि मैंने करवा चौथ के लिए क्रिएट किया है। और अगर ये मेकअप लुक आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने मेकअप किया है, वो वाटरप्रूफ है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये पानी ले लिया है, और अब मैं अपने फेस पर पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, मेरा मेकअप बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है। एंड मैं आपको थोड़ा सा पास से आकर के दिखा रही हूँ अपने फेस को, तो ये देख सकते हैं मेरा मेकअप कहीं से भी नहीं निकला है। और अब मैं यहाँ पे ये एक कॉटन पैड ले रही हूँ,
और इससे मैं अपने पूरे जो मैंने मेकअप किया है उसे मैं अच्छे से शो कर रही हूँ। तो मेरा मेकअप कॉटन पैड पे भी नहीं आया है और मैं फिर से करके दिखा रही हूँ आपको कि आपको बिलीव हो जाए कि जो मैंने मेकअप किया है वो वाटरप्रूफ है। और ये देखिए मेरा मेकअप। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।